पीपल के पेड़ को जलाना तो दूर की बात, एक हिंदू सनातनी पीपल के पेड़ का अपमान तक नहीं करता है। पीपल के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है क्योंकि पीपल के पेड़ में बहुत सारे देवताओं का निवास माना जाता है। जब हम एक पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें कई देवताओं की पूजा का फल एक साथ मिल जाता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को काटना या पीपल की लकड़ी जलाना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे देवगण रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सपनों की दुनिया है, इस पर हमारा किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के सपने आ सकते हैं। आप सपने में देखते हैं कि आप एक हरे भरे पीपल के पेड़ को आग लगा रहे होते हैं तो ये सपना आपके लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके घर का माहौल बिगड़ने वाला है, जिसके चलते हुए आपके घर की शांति भंग हो जाएगी और लगातार दंगे होते रहेंगे। आप चाहकर भी घर के कलेश को खत्म नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कि देखते खुशियों से भरा आपका परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार ये सपना आपके लिए पूर्ण रूप से अशुभ संकेत देता है। अगर आप सपने में खुद को पीपल की लकड़ी जलाते हुए देखते हैं तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आप भविष्य में जानबूझकर गलती करने वाले हैं, जिसकी सजा आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगी। आपको पता होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन घमंड स्वरूप आप अपनी गलती स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस सपने के बाद आपको भगवान विष्णु जी की आराधना शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि स्कंद पौराण के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।